गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर टूडेज टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ। कि जो हमारी लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है वो कौन सी होती है, मेल में अलग होती है, फीमेल्स में डिफरेंट होती है, ठीक है। वी हैव लर्नड दैट इट इज़ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडोलसेंस दैट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप। कि जो एडोलसेंस हमारी स्टेज होती है, कौन सी स्टेज थी हमने लास्ट टाइम रीड किया था, तो एडोलसेंस क्या थी हमारी, द एज बिटवीन 11 to 19। तो इस टाइम पे जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम पे। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट्स हॉर्मोन्स दैट स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड ओवरीज। हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ प्रेजेंट थी, वो ब्रेन के अंदर प्रेजेंट थी। तो ये क्या करती है, स्टिमुलेट करना स्टार्ट कर देती है, हॉर्मोन्स क्या सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती है। मेल्स में कौन कौन से हैं, टेस्टिस और पेनिस डेवलप होना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये ऑर्गन्स के नेम हमारे, और ये क्या क्या मतलब क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म, ठीक है। देखो हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या बोलते हैं हम इसको, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने स्टडी किया था जो मेल के अंदर क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, जो किसके अंदर होते हैं, टेस्टिस के अंदर, ठीक है। जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा रिलीज होना स्टार्ट होता है उस टाइम पे जो टेस्टिस हैं, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, कौन सा हार्मोन होता है, ओस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन, और ये किसके अंदर रिलीज होता है, ओवरीज के अंदर, और उसके बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एग, ठीक है। ये सारा हम स्टडी कर चुके हैं। तो उसके बाद देखो कि जो हमारे जो फीमेल्स में क्या होता है, ओवरी एनलार्जिस की मतलब एक टाइम आता है हमारा, प्यूबर्टी स्टेज आती है 11 के बाद या फिर 11 to 13, ये पीरियड वेरी करता रहता है, किसी में 11 में, किसी में 13 में, ठीक है, एज होती है आपकी। तो इसमें क्या होते हैं, जो ओवरी है, ओवरी क्या रिलीज करना स्टार्ट कर देती है, एग। ये हमने यहाँ पे भी स्टडी किया कि ओवरी क्या रिलीज करती है, एग्स। तो फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी वन ओवम इज रिलीज्ड एवरी 28 ईयर। यानी जब हमारी प्यूबर्टी की स्टेज आ जाती है, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है, जो एवरी 28 डेज के बाद क्या होता है, एक ओवम रिलीज्ड होता है, ठीक है, ओवरी के अंदर 28 डेज के बाद, यानी एक मंथ के अंदर क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूट्रस प्रिपेयर सेल्फ टू रिसीव द एग। कि ये क्या कर सकता है, एग को रिसीव कर सकता है, यूट्रस भी एक पार्ट होता है। तो इसकी जो इनर वॉल है यूट्रस की, वो क्या बन जाती है, थिक और स्पॉन्जी बन जाती है। कि इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। ये इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं। कौन सा पीरियड, द प्रोसेस बाय विच ओवम इज रिलीज। कि जब ये ओवम रिलीज होता है 28 डेज के बाद, जब ये रिलीज होता है, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, ठीक है। आफ्टर ओवुलेशन द एग ट्रेवल्स टू द फेलोपियन ट्यूब्स। ओवुलेशन के बाद ये जो हमारा एग होता है, एग कहाँ रिलीज होता है, किसके अंदर कहाँ चला जाता है, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। देखो ये आप ये डायग्राम देखो, इसके अंदर क्या है कि फर्स्टली क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है 1 to 7 डेज चलती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके बाद 6 to 11 डेज हमारे मतलब फिर कॉमन होता है, फिर यही साइकिल दोबारा से आ जाती है। यहाँ पे जो ओवम है, ओवम फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, जो 28 डेज के बाद क्या होता है, रिलीज होता है। इफ़ फर्टिलाइजेशन ओकर्स इन द फेलोपियन ट्यूब इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। कि अगर क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अब फर्टिलाइजेशन देखो, यहाँ से क्या रिलीज हुआ था, एग। ओवरी से क्या रिलीज हुआ था, एग। टेस्टिस से क्या रिलीज हुआ था, स्पर्म। तो जब हमारी फ्यूजन होती है एग और स्पर्म की, ठीक है, फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म की, जब दोनों की फ्यूजन होती है, एग और स्पर्म की जो फ्यूजन होती है, तब क्या फॉर्म होता है, जाइगोट। यानी जब दोनों आपस में मिक्स होते हैं, ठीक है, एग और स्पर्म, तब क्या बनता है हमारा, जाइगोट, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, ठीक है, ये तो था किश की फर्टिलाइजेशन हो जाए, ये दोनों फ्यूज हो जाए, ठीक है। अगर हमारे दोनों फ्यूज ना हो, कि मतलब एग और स्पर्म एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो, तब क्या होगा, द एग जो तो जो हमारा एग है वो रिलीज्ड हो जाएगा एंड थिकन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलोंग विद द इट्स ब्लड वेसल्स आर साइड ऑफ द बॉडी। अगर मतलब ये नहीं होती हमारी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो एग क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन। द मेंस्ट्रुएशन फ्रो लास्ट मतलब ये 4 to 6 डेज तक चलते हैं हमारी प्रोसेस, और ये कितने दिन में होती है, 20 to 30 डेज के बाद फिर रिपीट होती है।
The entire set of events, which includes the production and release of unfertilized egg by the ovaries along with menstruation flow, is called menstruation cycle. ये जो सारे इवेंट हो रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी इवेंट हो रहे हैं 20 मतलब 30 डेज का ये पीरियड है, इसको हम क्या बोलते हैं सारे को menstruation cycle, ठीक है. The first menstruation flow begins at puberty, कि मतलब first time ये कब start होती है, age of 10 to 12, 10 या 12 की एज के बीच में होती है, और इसको हम क्या बोलते हैं जब फर्स्ट टाइम होती है, क्या बोलते हैं इसको, मिनाक्री, ठीक है. When the woman is between 45 and 50, कि जब मतलब एज हो जाती है किसी भी गर्ल की कितनी, 45 टू 50, तब ये क्या हो जाती है, हमारी स्टॉप हो जाती है ये साइकिल, ठीक है, उसके बाद नहीं होगी किसी बॉडी के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज, ठीक है. जब ये स्टॉप हो जाती है क्या बोलते हैं, मेनोपॉज. जब ये स्टार्ट होती है क्या बोलते हैं, मिनाक्री. द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज रेगुलेटेड बाई टू हॉर्मोन्स. ये किसके दो हॉर्मोन्स इसको रेगुलेट करते हैं, फर्स्ट हमारा ओस्ट्रोजन और सेकेंड हमारा प्रोजेस्टिरोन, ठीक है. ये दोनों हॉर्मोन्स कौन सिक्रीट करता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड. देखो ये ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये क्या करती है, सिक्रीशन, इनके सिक्रीशन में हेल्प करती है, और यही दोनों हॉर्मोन्स क्या करते हैं, मतलब सारी जो फंक्शनिंग है वो कंट्रोल करते हैं बॉडी की, जो जो सारी साइकिल हो रही है. ओस्ट्रोजन रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड ओवुलेशन, की जो ओवुलेशन की प्रोसेस थी, जो एग फॉर्म हो रहा है ये प्रोसेस सारी कौन कंट्रोल करता है, ओस्ट्रोजन. प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, की जो प्रेगनेंसी वगैरह होती है उस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है, ठीक है.